मतदान होना है और पूरनपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नगर पालिका का चुनाव है और कली नगर भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां काम करती रही है लेकिन जिन परिस्थितियों में शैलेंद्र गुप्ता जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं इस बार पूरनपुर के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से शैलेंद्र गुप्ता जी जीत करके इस नगर के सबसे बड़े सदन में जाने वाले हैं, क्योंकि जिस धूप में आप बैठे ये सिद्ध करता है तपस्या से कम नहीं है और शैलेंद्र गुप्ता जी को आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए। आप सब जानते हैं 2014 से लेकर अब तक केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 से सरकार चल रही है। 2014 से लेकर अब तक ढेर सारे परिवर्तन देश और प्रदेश में हो चुके हैं, चाहे राम मंदिर का मामला हो। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों से मूवमेंट चल रहा था, बार बार सरकारें आई और चली गई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले किसी भी सरकारों ने नहीं सोचा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। हर सनातन धर्म को मानने वालों की इच्छा थी, हर भारतवंशी की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बने, लेकिन मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंभीरता से लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस ढंग से पैरवी की, आज अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और 2024 के चुनाव से पहले उसका लोकार्पण पूरे देश और दुनिया के सामने होगा। मैं पूरनपुर के लोगों से कहने के लिए आया कि आप लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच करके अयोध्या धाम के दर्शन करिए, रामलला के दर्शन करिए। यह है दिन आदरणीय मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी वजह से हमारे आराध्य रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे संस्कार है, उन्होंने जो मर्यादा स्थापित की उसके आधार पर हम सब काम करते हैं। आज तरह तरह के लोग बयान दे रहे हैं, हमने कर्नाटक में देखा अखबारों में लोगों ने बजरंगबली को ही बैन करने का काम कर दिया है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से बजरंगदान को बैन करने का काम वहां की कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है, कर्नाटक के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। पूरनपुर के लोगों, आपको भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबा करके यहां से संदेश देना चाहिए। मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। एक बार सिद्धि अटल जी हम लोगों के नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इंडोनेशिया दौरे पर गए, वहां उन्होंने देखा गांव गली में रामलीला, प्रभु राम के लीला का मंचन हर गली में हो रहा था, तो उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि आप तो मुस्लिम हो, इंडोनेशिया मोहम्मदन कंट्री है, रामलीला क्यों खेल रहे हैं, राम की लीला का मंचन क्यों हो रहा है। इंडोनेशिया के लोगों ने जवाब दिया, हमने अपना धर्म बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, राम हमारे पूर्वज है, वो हमारी संस्कृति है, हमें उनसे जुड़ करके अपने परिवार के अपने समाज की मर्यादा को सीखना होगा। आज कर्नाटक में जो कुछ कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने किया है, मैं अवश्य कहता हूं कर्नाटक के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ काल से ही, अपने गठन काल से ही कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि इस देश के अंदर दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। हर बार जब चुनाव होता था बीजेपी अपने एजेंडे में रखती थी धारा 370 समाप्त करेंगे, प्रेस वाले पूछते थे कब होगा, हर बार आप रखते हैं दो विषय, एक तो रामलला का और दूसरा धारा 370 का, लेकिन इस बार जब सरकार बनी एक झटके में धारा 370 को निष्प्रभावी करने का काम
आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने किया, और अलगाववादी कश्मीरी लोग कहते रहे यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन एक मच्छर के बराबर भी खून नहीं गिरा। आज कश्मीर में तिरंगा शान से भारत माता का जय जयकार करते हुए फहराने का काम कर रहा है। अपने मुस्लिम समाज की बहनों के लिए हजारों साल से जो त्रासदी झेलती थी, बड़े मियां नाराज हो गए कि रोटी जल गई, बड़े मियां नाराज हो गए कि दरवाजा देर से खुला, परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तलाक तलाक कहकर के हमारी बहनों को सड़क पर छोड़ देने का काम करते थे। माननीय मोदी जी ने सभी मुस्लिम महिलाओं के हक में 3 तलाक का कानून बनाकर उन पर जो उनको मजबूती देने का काम किया है, उनको बेघर होने से बचाने का काम किया है। तो अपने मुस्लिम बहनों से कहने के लिए आया हूं, आप सब लोगों को इकट्ठा होकर के कमल का साथ देना चाहिए, कमल को मजबूती देनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने सभी गरीबों को 2024 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे। आप पीलीभीत में, पूरनपुर में देखिए जाकर के सड़कों पर, हर गरीब को पक्का मकान मिला है, चाहे गांव हो चाहे देहात हो, सभी गरीबों को पक्का मकान देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। शौचालय कहने को तो छोटा विषय है, लेकिन अगर दोपहर में, शाम को पेट खराब हो जाए किसी माता बहन का, बुजुर्ग का, विपरीत परिस्थितियों में उनको किस ढंग से निपटना पड़ता था, किसी से छिपा नहीं है। हमारी बहनें शाम होने का इंतजार करती थी, गाड़ी के हेडलाइट पे पड़ती थी, गली के किनारे उनको बैठ करके निपटना पड़ता था, उनके सम्मान से समझौता करना पड़ता था, उनको खड़े होना पड़ता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने सभी को शौचालय देकर स्वच्छ भारत मिशन को सफल ही नहीं बनाया, हर गरीब माता बहन बुजुर्ग के सम्मान की रक्षा करने का काम किया। ज्यादातर बीमारियां शुद्ध पानी न पीने के कारण होती है। माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ करके सभी घरों में नल से जल भेजने का काम किया है। 2024 तक हर घर में नल से जल जाएगा। आप पूरनपुर पीलीभीत के आसपास जाकर के देखेंगे, गांव गांव पानी की टंकियां बन रही है। पहले बड़े आदमी के घर में केवल टोटी से पानी जाता था, अब घर घर नल से जल आदरणीय मोदी जी देने का काम भारत सरकार द्वारा करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कोई बीमारी आ जाती थी, सबसे पहले गरीब बहन का गहना बिकता था, उनका जेवर बिकता था माता का, फिर खेत बिकता था गरीब का, फिर मकान बिकता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के नाम से प्रारंभ की, अब 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हर गरीब को देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। अब गरीब को चिंता नहीं, कोई बीमारी आ जाएगी तो उसके पास आयुष्मान कार्ड है, निःशुल्क इलाज देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। माननीय मोदी ने तय किया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब आज 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, 65 जिलों में तो काम कर रहे हैं, मात्र कुछ जिले बचे हैं, महीने दो महीने के अंदर उन जिलों में भी बनने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ हर मेडिकल कॉलेज के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नर्सिंग कॉलेज भी खोलेंगे। इसके अलावा उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हर जरूरतमंद गरीब महिला को गैस कनेक्शन देकर के उनके